So hey guys, it's me Utkarsh and you are most welcome to my channel Parrots Alaisa. तो guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने sick parrot की केयर कैसे करें. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. पॉइंट नंबर वन, बर्ड्स को जितना हो सके उतने वार्म प्लेस पे रखना है. बर्ड जिस रूम में है उस रूम में एसी, कूलर, फैन कुछ भी यूज़ नहीं करना है. बर्ड को वार्म प्लेस प्रोवाइड करना है. पॉइंट नंबर टू, बर्ड को ल्यूक वार्म वाटर प्रोवाइड करना है, यानी कि गुनगुना पानी, और उस पानी में आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS घोलकर देना है. अगर आपका बर्ड बीमार है तो आपको उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको उसे जितना हो सके उतना रेस्ट करने देना है. बर्ड को क्या प्रॉब्लम हुई है अगर आप ये डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने इसको डिटेक्ट करने के लिए एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, आप जाकर मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं. अगर आपका पैरेट खाना नहीं खा रहा है और खाने को रिफ्यूज़ कर रहा है, तो आपको बर्ड को फोर्सफुली फीड कराना होगा, क्योंकि अगर बर्ड खाना नहीं खाएगा तो वो और भी बीमार हो जाएगा और वीक होने के कारण वो बीमारी से लड़ नहीं पाएगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हैंड फीडिंग सॉल्यूशन को तैयार करना है और अपने बर्ड को 2 times दिन भर में फीड कराना है. और अगर आपका बर्ड वाटर भी नहीं ले रहा है, तो आपको ORS का वाटर अपने बर्ड को दिन में 4 से 5 बार 10 ml करके पिलाना है. जितनी जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी पैरेट को वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि बस वही है जो आपके पैरेट को क्या डिजीज हुई है इसका सही तरीके से पता बता सकते हैं, और बर्ड्स को क्या ट्रीटमेंट चाहिए, क्या मेडिसिन चाहिए, ये भी वही बता सकते हैं. इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करिए. तो ये थी कुछ टिप्स कि अगर आपका बर्ड बीमार है तो उसकी केयर कैसे करनी है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए. थैंक यू.